हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सॉफ्ट फ्लफी नान, वो भी कढ़ाही में, और उसे आप तवे पे भी बना सकते हैं। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं मैदा, और ये मैंने ले लिया है 2 कटोरी मैदा। और इसमें हम डालेंगे ईस्ट, वो 1 टेबल स्पून भर करके ईस्ट हम डालेंगे और गर्म पानी में उसे मिला लेंगे। पूरा अच्छी तरीके से हम ईस्ट को घोल लेंगे। तो 2 कटोरी मैदा हमने लिया है, उसके लिए 1 बड़ा चम्मच हम ईस्ट लेंगे और उसे गर्म पानी में अच्छी तरीके से मिला लेंगे कि ईस्ट बिल्कुल पानी में मिल जाए। उसी के साथ हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टेबल स्पून शुगर। सो अब नान बनाने के लिए चिंता नहीं करें, नान अब कढ़ाही में तवे पे हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट पानी में घुल रहा है, करीब करीब घुल चुका है। इसे थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं, करीब 10 मिनट इसे ढक करके रख देंगे। ये है सॉल्ट और शुगर जिसको हम मिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट हमारा बिल्कुल पानी में मिल चुका है, और ये जब पानी में फॉर्मेट हो जाता है उसके बाद हम सानते हैं। और इसके लिए हमने दूध भी लिया है 1 कटोरी, और सबसे पहले हम इस घोल को डाल लेंगे, ईस्ट नमक और चीनी वाले घोल को, और उसे मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में हम दूध से इस मैदे को हम सान करके डो बना लेंगे नान के लिए। और ये नान फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी है, और बाहर से जो हम लोग नान मंगवा कर खाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। सो इसके बाद देखिए, हमने सान लिया, इसके बाद में हमने बटर को डाला है, और थोड़ा हिसाब से जितना बटर का ज़रूरत है हम करीब 2 टेबल स्पून हम बटर को मेल्ट करके और इसमें डाल लेंगे, मैदे में सान लेंगे, और इसे हम ढक करके करीब 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब हमारा ये जो नान के लिए हमारा डो तैयार है। अब हमें जितना मोटा नान रखना है उस हिसाब से हम गोलियां बना लेंगे रोई, और हम उसे राउंड शेप में ही बेल करके फ्लैट नान तैयार करेंगे, सॉफ्ट फ्लॉपी नान। अपने घर पे हम लोग बहुत ही इजी वे में नान बना सकते हैं। और इसे चिली चिकन के साथ, चिली पनीर के साथ, किसी के भी साथ आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो मैंने रेसिपी डाल रखा है, सो आप वीडियो देख सकते हैं चिली चिकन का। आप देख सकते हैं कि ये नान भी फूले फूले बन रहे हैं। इसे आप तवे पर और सिंपल कढ़ाही पे भी बना सकते हैं। सो हमारा नान बनकर तैयार है। अब हम ऊपर से इस पे बटर लगा रहे हैं और उसके ऊपर में हम हल्का सा धनिया की पत्ती छिड़क रहे हैं ताकि ये खाने में और भी स्वाद लगे। तो इसी प्रकार से हम सारे नान के ऊपर बटर को लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।